देख मैं जाएगा तो और दे दीजिए, ज़्यादा यूज़ है ना। ठीक है, थैंक यू। इसी में लगा दीजिए रबर। कितना देना होगा? 15 के हिसाब से ना। लीजिए 120 है, 500 इसमें चेंज 20 में हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। भुना चना आग में एकदम हेल्दी और इस तरीके से बन रहा है। ये बन रहा चना काफ़ी ज़बरदस्त हेल्दी अच्छा कि आग में बनता है। बादाम चूड़ा हुआ। हाँ, कितना हुआ मेरा? 160। एक केजी है। ठीक, चना तैयार। हाँ, ले लिए 160 ना। ठीक, ये हमारा चना बन के तैयार है। ये शाम का नज़ारा है, लोग पूरा घूमने फिरने के मूड में हैं। ये भोला लिट्टी बहुत ही फेमस यहाँ का भोला लिट्टी है। तो असल में लोग अभी अपना बैग नहीं करना चाह रहा है, इसलिए इसको डिफेक्ट में रखे हुए। हमारा चना जाएगा इसके अंदर बैकपैक में। ये मैं आ गई हूँ चश्मे की दुकान में। यहाँ ये जरा देखिएगा ना, मेरा चश्मा यहाँ का, ये मतलब थोड़ा सा दब गया है, उसी को ठीक करना है। अपने से करने से ना गड़बड़ हो जाएगा, तो बोले यहाँ करवा लेंगे दुकान में। यहाँ से देखिए नीचे चल गया है, बैठने से ऐसे मतलब रखा था बेड में और दब गया है, बिल्कुल न्यू है। तो गाइस, ये चश्मा का फ्रेम थोड़ा सा बेंड हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो गया। खुद से करने से शायद टूट जाता, तो ये काम भी हो जाएगा डन। वाह, हो गया इसलिए डन थम्सअप, क्योंकि मुझे थोड़ी किसी की टेंशन हो रही थी कि क्या न्यू लेना होगा, तो चले अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो जी, सब काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, डन डना डन। जब सारा कुछ हो जाता ना, तो एक तसल्ली सी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब छोटी छोटी चीज़ें भी, जब सारा काम सही, क्योंकि काम छोटा है वो बड़ा, लेकिन जब तसल्ली हो जाए ना कि हाँ वो चीज़ आपका सही से हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता है। और छोटी छोटी चीज़ों में पैसे लग जाते हैं, अगर वो रिपेयर हो जाए, काम हो जाए ना, जो टूट जाए कुछ थोड़ी सी मरम्मत से वो ठीक हो जाए, और वो जब आप करवा लेते हैं तो उसके बाद फिर जो मन को सुकून मिलता, लगता हाँ हमने भी कुछ किया, कुछ योगदान दिया अपना बचत में स्पेशली। और लेडीज़ ज़रूर मेरे इस बात से इत्तेफाक रखेंगी, लेडीज़ मेरे इस बात से तो ज़रूर इत्तेफाक रखेंगी कि जब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और आप उसमें कुछ पैसे बचा लेते हैं, चीज़ की ज़रूरत होती है और हम लोग फिर नया लेना चाहते हैं। मुझे पता नहीं आज क्यों मन हो रहा है ना कि चलते चलते आपसे बातें करें, और वो भी शैडो के साथ। तो गाइस, मुझे लग रहा है कि लिफ्ट को यूज़ नहीं करना है, बल्कि इन सीढ़ियों से जाना है, तो चलिए मेरे साथ। अगर हेल्दी रहना है तो इन सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़रूरी है। इतने दूर चलने के बाद फिर सीढ़ियाँ, तो लंबा सफ़र सीढ़ियों के द्वारा मैं तय कर रही हूँ। और अगर हेल्दी रहना है
तो सीढ़ियों से बेहतर कुछ भी नहीं। देखें सामने लिफ्ट है लेकिन मैं चढ़ रही हूँ सीढ़ियाँ। अभी और ऊपर जाना है, बहुत सारा सफ़र मैंने तय कर लिया। वाह ग्रेट। तो हेल्दी रहने के लिए थोड़ा शाम में इस तरह चलना बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपसे गपशप भी कर रही हूँ और ऊपर पहुँच गई। वाह देखिए लिफ्ट है, यूज़ नहीं। वेल डन, बाय।